दिल्ली में शराब घोटाले के दलदल में डूब चुके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक बार घेरे में आ गए हैं। हजारों करोड़ की उगाही करने के प्लान यानी नई एक्साइज ड्यूटी की पोल तेजी से खुलती जा रही है। अब पता चला कि कैसे दो आदमियों को 10,000 करोड़ का काम थमा दिया गया और कैसे महज 10 करोड़ लगाकर 150 करोड़ की कमाई की गई। इस सिलसिले में बीजेपी ने आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का एक स्टिंग वीडियो जारी किया तो मनीष सिसोदिया उछल पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस स्टिंग को ही फर्जी करार दिया। भाजपा द्वारा जारी वीडियो में अमित अरोड़ा नाम का शख्स शराब पॉलिसी को लेकर बातें करता दिख रहा है। भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दो लोगों को कैसे मिला 10,000 करोड़ रुपए का धंधा, 10 करोड़ लगाकर कैसे कमाए 150 करोड़ रुपए। देखिए केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले पर एक और सनसनीखेज खुलासा। भाजपा द्वारा जारी वीडियो में अमित अरोड़ा ने दावा किया है कि सरकार ने लाइसेंस के लिए कमीशन तय किया, इससे मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा और पंजाब चुनावों में हुआ। अरोड़ा ने कहा कि 10-10 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए होंगे और अभी तक 150 करोड़ कमाए होंगे। अरोड़ा ने कहा कि अगर यह चलता रहता तो इसमें 1,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड होता। वीडियो में अमित अरोड़ा यह भी बता रहा है कि छोटे व्यापारियों को बाहर करने के लिए 5-5 करोड़ रुपए का न्यूनतम शुल्क तय किया। पहले होलसेल के लिए लाइसेंस का रेट 10 लाख था। दिल्ली में बड़े व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए शुल्क का निर्धारण हुआ कि अमित अरोड़ा सीबीआई द्वारा एक दर्ज एफआईआर में आरोपी नंबर 9 है। अमित ने स्टिंग वीडियो में कई ऐसे बातें कही हैं जो दिल्ली की नई आबकारी नीति में भारी अनियमितता की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी स्टिंग वीडियो पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई इसकी जांच करे। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी इसे तुरंत सीबीआई को दे और 4 दिन के भीतर इसकी जाँच की जाए। दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में सीबीआई केस में आरोपी नंबर 1 सिसोदिया ने कहा कि यदि 4 दिन में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो माना जाए कि यह स्टिंग फर्जी है। सिसोदिया ने कहा कि ये जो कथित स्टिंग है उसे बीजेपी अभी सीबीआई को दे, 4 दिन के अंदर इसकी जांच करके सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले, सीबीआई इसकी गहनता और तेजी से जांच करे। यदि यह स्टिंग सच्चा है तो मुझे 4 दिन के अंदर, आज गुरुवार है, सोमवार तक मुझे गिरफ्तार कर ले, नहीं तो आप मान लेना यह भाजपा और पीएम मोदी के दफ्तर से रची गई साजिश है। आजकल पीएम ऑफिस में सरकारें गिराने की साजिश ही रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।